गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल देख रहे हैं हम, जो कि इंटरविजिबिलिटी ऑफ स्टेशंस हैं, जो भी हमारा सर्वेइंग में चैप्टर है ट्रायंगुलेशन। ठीक है, तो ट्रायंगुलेशन के लिए या फिर हमें किसी भी तरह के सर्वेस के लिए स्टेशन स्टेब्लिश करने पड़ते हैं। लेकिन ट्रायंगुलेशन के लिए क्या है कि बहुत दूर दूर डिस्टेंस पे स्टेशन स्टेब्लिश करने पड़ते हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक स्टेशन से दूसरे पॉइंट की इंटरविजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन हमारा विजिबल होना चाहिए। तो इंटरविजिबिलिटी है या नहीं है, रास्ते बीच में अगर कोई ग्राउंड है हमारा, तो ग्राउंड हमारा इंटरविजिबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको डिटरमाइन करने के लिए एक मेथड है, कैप्टन जीटी मैकाव मेथड। इस मेथड को ले रहा हूँ क्योंकि एक कंसेप्ट है, आपको किस तरह से इसको यूज करना है ये समझाना है। और न्यूमेरिकल लेने से पहले हम देख लें कि जीटी मैकाव मेथड ने मैकाव ने क्या किया है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, अगर इस तरह का सीनेरियो है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहे, अगर आपका दो स्टेशन है, कुछ ए और बी, और उनके बीच की डिस्टेंस है मेरी 2s, ठीक है, अगर मेरे उनके बीच की डिस्टेंस है मेरी 2s, ठीक है, और इस तरीके से कि बीच में एक इंटरवेनिंग ग्राउंड है, अगर बीच में एक इंटरवेनिंग ग्राउंड है जिसकी डिस्टेंस s प्लस एक्स और s माइनस एक्स है, ठीक है, तो उस केस में मेरा लाइन ऑफ साइट, जो भी मेरा एक इंटरवेंशन है, सपोज कि मेरा ये एस प्लस एक्स डिस्टेंस ए पॉइंट से वहां पर एक सी करके एक मेरा इंटरवेंशन है, अब ये इंटरवेंशन मेरी लाइन ऑफ साइट के ऊपर है या नीचे है। तो सपोज हम ये ले रहे हैं कि हमारी लाइन ऑफ साइट से ऑब्स्ट्रक्शन नीचे है, ठीक है, नीचे है। अब नीचे होने की वजह से क्या होगा, इंटरविजिबल होगा। तो इस हाइट को हम ले लेते हैं एच। तो मैकाव जी ने क्या किया कि फॉर्मूला दे दिया एच के लिए कि एच क्या है, हाइट ऑफ लाइन ऑफ साइट एट द ऑब्स्ट्रक्शन सी। तो आप उससे पता कर सकते हो कि जो मेरा ऑब्स्ट्रक्शन सी है वहां पर लाइन ऑफ साइट की हाइट कितनी है। तो इस तरह के अगर मेरे कुछ पैरामीटर हैं जहां पे एच वन और एच टू क्या है, हाइट ऑफ स्टेशन ए एंड बी अबव डेटम, और टू एस ए डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, और जीटा, जीटा क्या है, जेनिथ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, तो उस केस में ये फॉर्मूला दिया है मैकाव जी ने, एच इज इक्वल टू एच वन प्लस एच टू अपॉन टू प्लस एच टू माइनस एच वन अपॉन टू मल्टीपल विथ एक्स अपॉन एस माइनस एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर जीटा वन माइनस टू एम अपॉन टू आर। तो एच है हमारी ऑब्स्ट्रक्शन पे लाइन ऑफ साइट का एलिवेशन, एच वन और एच टू हमारे ए और बी पॉइंट जो स्टेशन है उनका रेस्पेक्टिव एलिवेशन है डेटम से, एस प्लस एक्स क्या है, मेरा एस प्लस एक्स है ए से डिस्टेंस और एस माइनस एक्स है बी से डिस्टेंस मेरे ऑब्स्ट्रक्शन की, और टू एस है दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब इसमें कॉस एक्स स्क्वायर की थीटा की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली वन, और अगर एक्यूरेसी आपको ज़्यादा रिक्वायर है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा का, और वन माइनस टू एम अपॉन टू आर की वैल्यू आप क्या लोगे, 0.574 लोगे इफ x और इन सब की वैल्यू, डिस्टेंस अगर मेरी माइल और फीट में दे रखी है तो 0.574, और अगर आपकी सारे पैरामीटर किलोमीटर मीटर में दे रखे हैं तो आप जो मेरा कांस्टेंट है 1-2m/2r उसकी वैल्यू इस टर्म में फॉर्मूले में उसकी वैल्यू लेंगे 0.06728। तो बेसिकली हम क्या लेंगे, इंडियन कंटेक्स्ट में हम सारे सब कुछ किलोमीटर मीटर में पढ़ते हैं, तो 0.06728। अब हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ टू प्रपोज स्टेशन ए एंड बी 130 किलोमीटर अपार्ट आर रेस्पेक्टिवली 220 मीटर एंड 1160 मीटर। द एल्टीट्यूड ऑफ टू पॉइंट सी एंड डी ऑन द प्रोफाइल बिटवीन देम आर रेस्पेक्टिवली 308 एंड 632 मीटर। द डिस्टेंसेस बीइंग ए सी इज इक्वल टू 50 किलोमीटर, AD is equal to 90 km. Determine whether A and B are intervisible and if necessary find the mean height of scaffolding at B, assuming A at ground station. तो
क्या दे रखा है हमें कि दो स्टेशन है ए एंड बी कुछ इस तरीके से, ठीक है। सपोज कि ये ए है और ये बी है, उनका एलिवेशन दे रखा है और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 130 किलोमीटर। एलिवेशन कितना है 220 मीटर और 1160 मीटर। तो मैंने थोड़ा सा प्लेन बना दिया है, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो और फिर बीच में दो प्रोफाइल हैं, सपोज कि हम इस तरीके से ले लेते हैं एक ये और एक दूसरी हमारी ये वाली। तो अब इन ये दो पॉइंट और मिल गए मेरे C एंड D, और इनका भी एलिवेशन मुझे पता है और सब पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता है। हमको ये पूछा गया है कि A और B पॉइंट इंटरविजिबल हैं कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ साइट अगर आपकी दोनों पॉइंट पे C और D दो ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, A और B के बीच में C एंड D दो ऑब्स्ट्रक्शन है, दोनों के ऊपर से अगर लाइन ऑफ साइट चली जाएगी तो इसका मतलब ये है कि इंटरविजिबल, अगर नहीं है तो इंटरविजिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में करेंगे, क्योंकि मैकाओ का फॉर्मूला क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। मैकाओ का फॉर्मूला दो स्टेशन के बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। तो हमने क्या किया, पहले कंसीडरिंग ओनली स्टेशन सी, फिर कंसीडरिंग ओनली स्टेशन डी, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले मकाओ का फॉर्मूला लिख दिया, फिर फॉर ऑब्स्ट्रक्शन सी, सी के लिए एच वन क्या हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट 220 मीटर क्वेश्चन में दे रखा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। H2 क्या हो जाएगा 1160 मीटर, तो 1160 मीटर। 2S दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है 130 किलोमीटर। S, S क्या है, S कैसे मिलेगा आपको, ठीक है, S मिला मेरा 2S 130 किलोमीटर था, तो S हो गया 50 किलोमीटर 65 किलोमीटर सॉरी 65 किलोमीटर। S प्लस X क्या है, S प्लस X, S पर मको S प्लस X इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी, और हमारे केस में डिस्टेंस बिटवीन ए टू ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, एस प्लस एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है कि ए सी इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। तो हमने ए सी इक्वल टू 50 किलोमीटर ले लिया, वहां से कॉस एक्स स्क्वायर जीटा वन कॉन्स्टेंट वन माइनस टू एम पॉइंट टू आर इज इक्वल टू 0.06728, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आया माइनस 15 किलोमीटर। अब डिस्टेंस की वैल्यू तो नेगेटिव हो नहीं सकती, लेकिन आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि फार्मूला जो मेरा है वो रिसर्च के थ्रू इम्प्रिकल फार्मूला दिया है मकाओ ने, तो हमको डिस्टेंस की वैल्यू का नेगेटिव है, और ये कंडीशनल फार्मूला है। कंडीशनल फार्मूला मतलब स्केच पे डिपेंड करने वाला फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, क्योंकि मकाओ ने जो भी फार्मूला दिया है उन्होंने कहीं पर भी x को डिफाइन नहीं किया, तो x जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता उसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। ऐसा नहीं है कि x मेरी डिस्टेंस है तो x की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। तो मैंने x का वैल्यू माइनस 15 लिया और सभी को फॉर्मूले में पुट किया, तो हाइट ऑफ लाइन ऑफ साइट एट ऑब्स्ट्रक्शन C, तो सब वैल्यूज को पुट किया है। आपको इस चीज के लिए क्वेश्चन को लिया गया है कि x जहाँ पर भी आता है, यहाँ आता है x, तो उसकी वैल्यू नेगेटिवली माइनस 15, अंदर भी आपका एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में भी x की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। जब इसको सॉल्व करते हो तो हाइट ऑफ लाइन ऑफ साइट एट सी क्या आएगा, क्या आया 312.41 मीटर। क्वेश्चन में एलिवेशन ऑफ सी दे रखा है आपको, एलिवेशन ऑफ सी कितना दे रखा है, एलिवेशन ऑफ सी दे रखा है मुझे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 308 मीटर। टू पॉइंट सी एंड डी का एल्टीट्यूड क्या है 308 मीटर एंड 632 मीटर, तो आपको 308 मीटर दे रखा है गिवन, और आपकी लाइन ऑफ साइट कितनी थी 312.41 मीटर। इसका मतलब क्या है कि मेरा लाइन ऑफ साइट है वो ऑब्स्ट्रक्शन एट सी को क्लियर कर दे रहा है, हेंस लाइन ऑफ साइट क्लियर पी सी। अब डी पे ऑब्स्ट्रक्शन, अब हम जब डी की बात करेंगे तो हम सी को भूल जाएंगे, ठीक है। तो बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, एच वन और एच टू की वैल्यू, टू एस की वैल्यू सेम रहेगी, एस की वैल्यू सेम रहेगी, बस चेंज क्या होगा एस प्लस एक्स। अब इस केस में एस प्लस एक्स क्या हो गया मेरा, एस प्लस एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम ए, तो एस प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एस प्लस एक्स इज इक्वल टू मेरा हो गया
एस प्लस एक्स को अगर आप देखेंगे तो एस प्लस एक्स ए डी का वैल्यू है 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर हो चुका है मेरा एस प्लस एक्स का वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 65 इक्वल टू 25 किलोमीटर। तो एच डी लाइन ऑफ साइट का एलिवेशन एट डी क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू टू सब्सटीट्यूट कर दी तो मुझे मिला 628.56 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में हमें डी का एलिवेशन कितना दे रखा है, पॉइंट डी का एलिवेशन दे रखा है मुझे 632 मीटर। 632 मीटर अगर मेरा पॉइंट डी का एलिवेशन है, इस तरह का ग्राउंड है और लाइन ऑफ साइट का एलिवेशन 628 मीटर, बेसिकली ग्राउंड है वो मेरा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है लाइन ऑफ साइट को, तो आपको क्या आपको पता चला, हेंस लाइन ऑफ साइट फेल टू क्लियर पीक डी बाय कितना 632 मीटर। तो इस पॉइंट का एलिवेशन है और इसका 628.56 बाय 3.44 मीटर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन ऑफ साइट को उठाना पड़ेगा। अब लाइन ऑफ साइट को कैसे उठाओगे, सपोज कि कुछ ये ऐसा था, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में लाइन ऑफ साइट ऐसे जा रही थी, अब इसको उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बी पॉइंट पे स्कैफोल्डिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, तब आपकी लाइन ऑफ साइट उठ जाएगी। तो अब इसके लिए आपको क्या कर, हम एक चीज़ और ध्यान में रखते हैं कि हमेशा लाइन ऑफ साइट ग्राउंड से 3 मीटर ऊपर होनी चाहिए। अगर आप 3.44 मीटर लाइन ऑफ साइट को उठाओगे, अगर आप 3.44 मीटर लाइन ऑफ साइट को उठाओगे एट पॉइंट डी, अभी हमको लाइन कहाँ क्लियर नहीं हो रहा था, डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे अगर आप लाइन ऑफ साइट को 3.44 मीटर उठाओगे तो क्या होगा, एग्जैक्ट ग्राउंड को टच करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड से भी लाइन ऑफ साइट को 3 मीटर और ऊंची रखते हैं, एक जनरल नॉर्म फॉलो करते हैं ताकि कोई मूवेबल मटेरियल ना आ जाए, कोई मूवेबल पर्सन ना आ जाए बीच में जब आप सर्वे कर रहे हो। तो 3.44 + 3/6.44 मीटर से आपको डी पॉइंट पे क्या करना है, लाइन ऑफ साइट को उठाना है। तो सिमिलर ट्राइंगल से अगर आप देखें तो आप डी पे कितना उठाना चाह रहे हो, 6.44 मीटर। डी का डिस्टेंस कितना था मेरे यहाँ से ए पॉइंट से 90 किलोमीटर और बी का डिस्टेंस टोटल कितना था 130 किलोमीटर। तो आप अगर बी पॉइंट पे 6.44 मीटर उठाना है स्कैफोल्डिंग को, डी पॉइंट पे अगर 6.44 मीटर उठाना है तो बी पॉइंट पे सिमिलर ट्राइंगल के रूल से कितना उठाना पड़ेगा, 6.44 मल्टीपल विथ 130/90, दैट इज 9.3 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 9.5 मीटर का स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करेंगे बी पॉइंट पे ताकि हमारा ए पॉइंट से बी पॉइंट इंटरविजिबल हो जाए। तो यही था हमारा मैकाओ मेथड इंटरविजिबिलिटी ऑफ स्टेशन डिटरमाइन करने का। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।